डिगोरा 100 रेड टेबलेट्स जो हैं, जो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और जिसके बीच में सिल्डीनाफिल सिट्रेट 100 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे प्रेजेंट होता है, जो कि फास्फोडाइएस्ट्रेस टाइप 5 इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करता है। डिगोरा 100 mg टेबलेट्स जो हैं तो इनको जनरली यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए, या फिर जिसको कि इम्पोटेंस वी बोलते हैं, इसको पर्टिकुलरली मैंस के बीच में जो है यूज़ किया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बीच में मैंस जो हैं वो अपने पेनिस को इरेक्ट हर्ड जो है मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं जब वो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस दौरान। तो ये जो है इस वजह से होता है कि पेनिस के बीच में ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं पेनिस के बीच में वो जो है नैरो हो जाती हैं, और जिस वजह से जो है सफिशेंट अमाउंट में ब्लड की सप्लाई जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिस वजह से जो है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन जो है अराइज हो जाती है मैंस के बीच में। सिल्डीनाफिल जो है जो इम्प्रूव कर देता है पेनाइल इरेक्शंस को और पेनिस को जो है एक तरह से दृढ़ हर्ड जो है वो बना देता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और ये जो हैं ब्लड वेसल्स जो कि पेनिस के बीच में सप्लाई होती हैं तो उनको रिलैक्स कर देता है, और जिससे कि ब्लड का फ्लो जो है पेनिस के बीच में एक तरह से इम्प्रूव हो जाता है और साथ में ही ऑक्सीजन की सप्लाई भी पेनिस के बीच में इम्प्रूव हो जाती है। डिगोरा 100 mg टेबलेट्स जो हैं तो ये जो हैं इरेक्शंस को जो हैं करती हैं जब कोई पर्सन जो है सेक्चुअली स्टिमुलेटेड है उस दौरान, ये जो हैं किसी भी पर्सन को सेक्स को करने के लिए जो है ये स्टिमुलेट नहीं करती हैं, सिर्फ जब सेक्चुअल एक्टिविटी कोई कर रहा होता है तो उस दौरान जो है जो पेनिस को हार्ड बनाए रखने में एक तरह से मदद करती हैं, और ना ही जो है इन टैबलेट से आप लोगों के माइंड्स के बीच में सेक्चुअल थॉट्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जो है ट्रीट करने में हेल्प करता है, और ना ही जो आप लोगों के बीच में सेक्चुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, और ना ही जे जो प्लीजर होता है एक हेल्थी मैंस के बीच में तो उसको भी जे बढ़ाने में मदद नहीं करता है। तो ये सिंपली सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी भी मैंस के बीच में है तो उसको ट्रीट करने में जो है जे मदद करता है। तो इस बिगोरा 100 mg टेबलेट्स जो हैं तो इनको हेल्थी मैंस को जो है यूज़ नहीं करना चाहिए जिनके बीच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो आप लोगों को जो है इन टैबलेट्स को जो है 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर जो है इसको यूज़ कर लेना है जब भी आप लोग जो है सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं उससे पहले, और इसको जो है आप लोगों को जो है ज़्यादा हैवी खाना खा के जो है इनको नहीं खाना है, इनको आप लोग जो है बिना खाना खाए भी जो है खा सकते हैं और खाना खाने के बाद भी जो है आप लोग इसको खा सकते हैं। तो आप लोगों को जो है इसको सिंपली विद 1 glass ऑफ वाटर के साथ जो है आप लोग इसको जो है खा सकते हैं, और क्रश वगैरह जो है आप लोगों को इसको नहीं करना है। तो इन विगोरा 100 mg टेबलेट्स को यूज़ करने से पहले जो है आप लोगों को एक बार जो है डॉक्टर को पूछ लेना है अगर किसी पर्सन को लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो है डॉक्टर की सजेशन जरूर से ले लें इन टेबलेट्स को यूज़ करने से पहले। खुद से जो है कभी भी इन टेबलेट्स को यूज़ ना करें। विगोरा 100 mg टेबलेट्स जो हैं तो इनको वुमेन्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकती हैं, जो सिर्फ मैंस के लिए ही जो है बनी हुई हैं, और ना ही इनको चिल्ड्रंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और ना ही वो एडोलिसेंट्स जिनकी की एज 18 ईयर के नीचे के हैं तो उनको भी जो है इन टेबलेट्स को यूज़ नहीं करना है। तो जब भी आप लोग जो है इन टेबलेट्स को यूज़ करते हैं तो अगर किसी भी पर्सन को जो है पेन होती है इन टेबलेट्स को यूज़ करने के बाद, या फिर बहुत लंबे समय तक जो है इरेक्शन जो है रहती है, इसका असर जो है आप लोगों को दिखता है, पेनिस बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है लंबे समय तक के लिए इन विगोरा 100 mg टेबलेट्स को यूज़ करने के बाद, तो उस दौरान आप लोगों को जो है डॉक्टर की एडवाइस जो है ज़रूर से ले लेनी है। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है इन टेबलेट्स के जो है देखे जा सकते हैं, जैसे कि फ्लशिंग होना, मीन आप लोगों के फेस के ऊपर एयर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे आप लोगों को महसूस होना, सर दर्द होना, स्टोमक अपसेट होना, डिजीनेस होना, ब्लर विजन होना, या फिर मसल्स के बीच में पेन होना। अगर किसी भी पर्सन को ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक के लिए रहते हैं तो आप लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है। अगर आप लोग जो है कभी भी इन टेबलेट्स की हायर डोसेस में जो है इसका यूज़ करते हैं तो उससे आप लोगों के जो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हैं तो वो जो है बढ़ जाएंगे। विगोरा 100 mg टेबलेट्स जो हैं तो ये जो हैं सिर्फ इरेक्शंस के लिए ही जो है यूज़ में लाई जाती है पेनिस को हार्ड करने के लिए,
पेशेंट्स के बीच में जिनके बीच में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की प्रॉब्लम है, इससे जो है कोई भी जो स्पर्म रिलीज होता है जो फिर इजैकुलेशन को बोलते हैं, तो उसके ऊपर इसका कोई भी अफेक्ट वगैरह नहीं होता है और ना ही जो है ये स्पर्म्स को पहले रिलीज होने से जो है रोक सकता है, जो सिर्फ पेनिस को हार्ड करने के लिए जो है यूज़ में लाई जाती हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। तो इसका कोई भी अभी तक कंफर्म प्रूफ नहीं है कि बिगोरा 100 एमजी टेबलेट जो है ये फर्टिलिटी को मेंस के बीच में अफेक्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो बेटर होगा कि आप लोग जो है डॉक्टर को कंसल्ट करके ही जो है इन बिगोरा 100 एमजी टेबलेट्स को यूज़ करें। और अगर आप लोग जो है किसी बच्चे को प्लान करने का सोच रहे हैं तो उस दौरान तो स्पेशली आप लोगों को एक बार जो है डॉक्टर को पूछ के ही जो है इन टेबलेट्स का यूज़ करना है। बिगोरा 100 एमजी टेबलेट्स जो है तो ये सेफ है इनको यूज़ करना, और कभी भी आप लोग जो हैं इन टेबलेट्स को अल्कोहल के साथ कंज्यूम ना करें, उससे जो है इन विगोरा 100 एमजी टेबलेट्स की जो अफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। तो जो अफेक्ट जो असर रहता है इन विगोरा 100 एमजी टेबलेट्स का तो वो 4 घंटे तक जो है नॉर्मल देखा जाता है, लेकिन जो पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है जो उनकी एज और हेल्थ कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है उनके बीच में इसका जो असर जो है वो देखा जा सकता है। बिगोरा 100 एमजी टेबलेट जो हैं तो ये हार्मफुल जो हैं हो सकती हैं पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स जो हैं नाइट्रेट का यूज़ करते हैं जो फिर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेडिसिन का यूज़ करते हैं, उनके साथ अगर इन टेबलेट्स का यूज़ करते हैं वो, तो उनके बीच में जो है एक तरह से रिस्क जो हैं वो बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं उनके बीच में हो सकते हैं और उनका जो ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो आप लोगों को जो है एक समय के ऊपर जो है इन टैबलेट्स को जो है नाइट्रेट्स या फिर किसी ब्लड प्रेशर्स को लोअर करने की मेडिसिन के साथ इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो हैं तो ये कुछ फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से जो हैं हो सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअल फेलियर का फियर होना, उस वजह से जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से, लो सेल्फ एस्टीम या फिर स्ट्रेस की वजह से भी जो है हो सकता है। तो कुछ और भी सर्टन हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग की वजह से जो है हो सकता है, ड्रिंकिंग की वजह से या फिर ओवर वेट की वजह से भी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन अराइज हो सकती है, या फिर फिजिकली इनएक्टिव रहने की वजह से जो है कोई पर्सन जो है फिजिकली बिल्कुल ही जो है इनएक्टिव है अपनी लाइफ के बीच में, तो उस वजह से भी जो है हो सकता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन जो अराइज हो सकती है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब किसी भी पर्सन के बीच में होता है तो उस दौरान उसके बीच में कुछ सिम्टम्स जो हैं देखे जा सकते हैं, जैसे कि वो इरेक्शन जो है वो नहीं कर पाता है, अपने पेनिस को हार्ड जो है वो नहीं रख पाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसको, और साथ में ही जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है तो उस दौरान भी जो है वो इरेक्शन जो है वो नहीं कर पाता है, और साथ में ही उसका जो मन होता है सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बिगोरा 100 एमजी टेबलेट्स जो हैं तो ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बीच में हाई ब्लड प्रेशर जो है लंग्स के बीच में हो जाता है एडल्ट्स के बीच में, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है जो आर्टरीज को अफेक्ट करता है लंग्स के बीच में और हार्ट्स के बीच में, और जिससे कि पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन जो है कंडीशन अराइज हो जाती है पेशेंट्स के बीच में, और इससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो बिल्कुल नैरो हो जाती हैं या फिर ब्लॉक हो जाती हैं, और जिससे कि जो वर्कलोड होता है हार्ट के ऊपर वो बढ़ जाता है। तो इस दौरान जो है कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जो हैं देखे जाते हैं, जैसे कि चेस्ट के बीच में पेन होना, डिजीनेस होना, फिटिकनेस होना, स्वेलिंग हो जाना लेग्स और एंकल्स के बीच में। आप लोगों को इन मेडिसिन्स को जो है बच्चों से दूर रखना है।